हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में एक हेयर सीरम का रिव्यू करने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन होगी उसे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी अपनी कोई न्यू वीडियो डालूंगी उसे सबसे पहले आप अपने फ़ोन पर देख सकोगे। एंड गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है naturalvarsha1996। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ कर लीजिएगा गाइज। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में है यहाँ पर मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर का एक हेयर सीरम, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है देखने में। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग की। मुझे किसी भी तरह के कार्ड बॉक्स में या फिर डब्बे में पैक करके नहीं मिला है, मुझे खाली इसी तरह से इस पंप वाली बोतल में मिला है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है ये। एंड इसके साथ में यहाँ पर पंप दिया गया है, जिससे कि बहुत ही ईजी हो जाता है इसे यूज़ करना। सो इससे जो आपका प्रोडक्ट होता है वो वेस्ट भी नहीं होता है और बहुत ही अच्छे से आप इसे यूज़ कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर क्या मेंशन किया गया है। इसके ऊपर मेंशन किया गया है मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट प्रोफेशनल हेयर सीरम विद शिया बटर। सो ये सभी चीज़ें इसके ऊपर यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। एंड लाइट से ऑरेंज कलर की ये बोतल है, जिसके ऊपर ब्लैक कलर की कैप दी गई है। इसकी 445 रुपीज़ इसका प्राइस है, 3 ईयर इसकी सेल्फ लाइफ है। एंड क्वांटिटी की अगर इसकी बात करें तो 100 ml इसकी क्वांटिटी है। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, बट जो मेन है वो है शिया बटर, जो कि यहाँ पर मेंशन भी कर दिया गया है विद शिया बटर। एंड शिया बटर हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है, सिल्की बनाता है, शाइनी बनाता है। सो कुछ इस तरह से ये हमारे बालों में वर्क करता है शिया बटर। अब बात करते हैं कि ये हमारे बालों पर वर्क किस तरह से करता है। अगर आप अपने बालों को नेचुरल स्ट्रेट करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, सो आप इस मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर के हेयर सीरम का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप वैसे स्ट्रेट करना चाहते हैं, जैसे कि केमिकल के साथ में अगर आप स्ट्रेट कराना चाहते हैं अपने बालों को, अगर आप रिबॉन्डिंग कराना चाहते हैं, वैसे भी आजकल का फैशन बन गया है रिबॉन्डिंग कराने का, हर कोई रिबॉन्डिंग करा रहा है अपने बालों में। सो अगर ऐसी स्थिति में आपके बालों के लिए कोई अच्छा सा सीरम आप ढूंढ रहे हैं जो कि रिबॉन्डिंग के टाइम पर यूज किया जाता है, तो भी आप इस मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर के हेयर सीरम का यूज कर सकते हैं। एंड सीरम हमारे बालों पर वर्क करता है हमारे बालों को सिल्की बनाने के लिए, शाइनी बनाने के लिए। एंड जैसे हमारे फेस के लिए सीरम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वैसे ही हमारे हेयर के लिए भी सीरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर रोज़ आप ऑयलिंग तो कर नहीं सकते अपने बालों में, सो इसलिए आप डेली सीरम का यूज़ कर सकते हैं अपने बालों में। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे रूखे रहते हैं, रफ रहते हैं, ड्राई रहते हैं, तो ऐसे में आप अपने बालों में इस मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर के हेयर सीरम का यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, बहुत ही अच्छा सीरम है ये स्पेशली आपके बालों को स्ट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड जो ये मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर का सीरम है, मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर का शैम्पू, मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर का हेयर मास्क का रिव्यू भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर बहुत टाइम पहले डाल चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज आप जाकर के मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड उन दोनों वीडियोज का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो वहां से भी उन वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। एंड गाइस, जो मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर के प्रोडक्ट है वो स्पेशली आपके बालों को स्ट्रेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आपको भी बहुत शौक है अपने बालों को स्ट्रेट करने का, तो भी आप मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। आप अपने बालों में किसी भी तरह का कोई भी केमिकल अप्लाई नहीं करना चाहते हैं एंड विदाउट केमिकल के ही आप अपने बालों को नेचुरली स्ट्रेट करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट करना चाहते हैं जैसा कि रिबॉन्डिंग के टाइम पर आपके बालों को स्ट्रेट कर दिया जाता है, सो आप मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका बाय लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस लिंक के थ्रू भी इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, आपको ये लोकल मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगा। एंड अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप इसे लोकल मार्केट से परचेस करते हैं तो शायद ही आपको डिस्काउंट मिले। अगर आप अपने बालों में रिबॉन्डिंग या फिर स्मूदनिंग करा चुके हैं और आप अपने बालों की जो रिबॉन्डिंग है, स्मूदनिंग है, उसे लॉन्ग टाइम तक बना करके रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज करने होते हैं जो कि आपके बालों को नेचुरली स्ट्रेट करते रहे। अगर आप नॉर्मली कोई शैम्पू या फिर जैसे कि क्लिनिक प्लस का, चिक का या फिर सनसिल्क का कोई भी शैम्पू अगर आप नॉर्मली यूज कर देते हैं जो कि आपके बालों को नेचुरली स्ट्रेट नहीं करता है, तो ऐसे में आपकी जो रिबॉन्डिंग का टाइम है वो लगभग 1 ईयर या फिर 6 मंथ तक ही रह जाता है। अगर आप अपने बालों की रिबॉन्डिंग का टाइम लॉन्ग टाइम बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बार बार ये हाई केमिकल अपने बालों में ना अप्लाई करना पड़े और आपके
जो बाल है वो स्ट्रेट के स्ट्रेट ही रहे, तो आपको ऐसे में मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर के ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेने हैं, जिससे कि जो आपके बालों की स्मूदनिंग है, स्ट्रेटनिंग है, रिबॉन्डिंग है, वो हमेशा के लिए बनी रहेगी। अगर आपने अपने बालों में रिबॉन्डिंग नहीं कराई है और आप अपने बालों को विदाउट केमिकल के ही स्ट्रेट करना चाहते हैं तो भी आप इन प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओनली इसे रिबॉन्डिंग के टाइम पर ही यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है गाइस। आप इसे बिना रिबॉन्डिंग, बिना स्मूदनिंग के भी आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। आप देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इनका मिलना शुरू हो जाएगा एंड धीरे धीरे बिना केमिकल के ही आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। आप अपने बालों में हेयर स्पा करा रहे हैं और आप अपने बालों में कोई अच्छा सा सीरम की दो बूंद ऐड कर देती हैं जो कि आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा शिल्की और शाइनी बनाती हैं, तो भी आप इस हेयर सीरम का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे ओपन करके इसको आपको अपने बालों में अप्लाई करके दिखा देती हूँ। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, सो ईजिली आप इसे अपने हैंड बैग में भी कैरी कर सकते हैं। एंड लगभग 2 मंथ से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तब भी आप देख सकते हैं बहुत ही कम प्रोडक्ट अभी तक मैं इसे यूज़ कर पाई हूँ। जिस दिन मैं ऑयलिंग करती हूँ ना, शैम्पू करती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ, उस दिन मैं इसे छोड़ देती हूँ, बट शैम्पू करने के बाद फिर मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से, एंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है ये। फ्रेग्रेंस की अगर इसकी बात करें तो इसमें से शिया बटर की फ्रेग्रेंस आ रही है जो कि आपके बालों में काफ़ी टाइम तक बनी रहती है। इसे अप्लाई करने के बाद लगभग 5 से 6 घंटे तक आपके बालों में से ये शिया बटर की फ्रेग्रेंस ऐसे ही आती रहेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। एंड अब मैं आपको इसे अपने बालों में अप्लाई करके दिखा देती हूँ। आपको इस तरह से इसे अप्लाई करना है। एंड कुछ सीरम ऐसे होते हैं जो कि अप्लाई करने के बाद हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा बना देते हैं, बट ये कुछ इस तरह का नहीं है। इसे अप्लाई करने के बाद आपके बाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे एंड खिले खिले रहेंगे, एक जगह पर चिपकने वाले नहीं हैं, जैसा कि ऑयलिंग के टाइम पर हो जाता है अक्सर। सीरम अप्लाई करने से आपके जो बाल हैं वो झड़ने भी बंद हो जाते हैं, बिकॉज जो आपके बाल हैं वो जब सुलझे सुलझे रहेंगे तो झड़ेंगे भी नहीं। अगर वो उलझे उलझे रहेंगे, रफ रहेंगे, ड्राई रहेंगे, तो ऑफिसली झड़ेंगे ही जब आप उनमें कंघी करेंगे, बट अगर आप इनमें सीरम अप्लाई करते रहेंगे और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, तो झड़ने का सवाल ही नहीं बनता। सो अगर आप अपने हेयर फॉल को रोकना चाहते हैं तो भी आप इस हेयर सीरम का यूज़ कर सकती हैं। एंड गाइस, इस हेयर सीरम को बॉयज़ और गर्ल्स, लेडीज, जेंट्स, हर कोई से यूज़ कर सकता है। आप इस हेयर सीरम को रीअप्लाई भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको अपने बालों में ये सीरम अप्लाई करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि आप इसे 2-3 घंटे के बाद फिर से नहीं अप्लाई कर सकते, आप इसे चाहे जितनी बार मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस हेयर सीरम का रिजल्ट कैसा मिला। सो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।